मैं दीपक बंसल, मैं अपना YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अलजेब्रा बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ एग्जाम में आए हुए जितने ही अलजेब्रा के प्रश्न होंगे उसे हम बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो या नहीं जानते तो फिर देख लीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और एग्जाम में पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो लेकिन पूछता है एक्स के फॉर्म में, तो हम एक्स के फॉर्म में हम अच्छी कर निकालते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है, ए के जगह क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर, और बी के बी स्क्वायर है तो बी की जगह क्या है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ है टू ए बी, तो टू डाल दिए, ए है एक्स और बी है वन बाई एक्स, एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर टू, बराबर के उस साइड प्लस में टू है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्म पे एस सी सी जी एल सी डी एस रेलवे बैंकिंग इत्यादि में सब एग्जाम में प्रश्न आता है इसी फॉर्म पे। अभी आप लोग हम सवाल देंगे, देखिए फार्मूला फाइनल क्या हुआ, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ। तो इस पर हम आपको सवाल दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, देखो इसके फॉर्म पे क्वेश्चन पूछ दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, तो इसका फॉर्म हम क्या निकाले हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान कितना दिया हुआ, थ्री दिया हुआ, तो थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू, तो थ्री का स्क्वायर क्या हुआ नाइन, नाइन माइनस टू यानी कि सेवन आंसर है। इसी फॉर्म में पूछेगा थ्री, देखो थ्री का स्क्वायर तुम लोग हम बता देते हैं, थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन होगा, अच्छा फोर का स्क्वायर क्या है तो फोर इंटू फोर यानी कि तुम सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू फोर दिए हो, तो फाइंड क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कर रहा, तो आप लोगों फार्मूला देख लीजिए, फॉर्म क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर तो इजकल टू क्या है, एक्स प्लस वन बाई का होल स्क्वायर माइनस टू, इस शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, तो आप लोग जानते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हो फोर, फोर दिए तो फोर का स्क्वायर कर देंगे माइनस टू है, सिक्सटीन माइनस टू यानी फोर्टीन, अब तुम लोग को मन होगा कि सर हम सब फुल मेथड से चलेंगे, चलो फुल मेथड से हमको क्या जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो फॉर्म क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर दिया हुआ है, फोर का स्क्वायर माइनस टू यानी कि सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस टू यानी कि फोर्टीन, कहा कि यहाँ पर देखो x के पास फाइव रहता तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू हो जाता, यहाँ पर सेवन होता सेवन का स्क्वायर माइनस टू हो जाता, बदलता जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ओके हाँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू सिक्स है, तो फाइंड एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर, तो एक्स का पावर फोर निकालेंगे, तो एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का मान एक्स स्क्वायर का दिया हुआ सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, यानी सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर। देखो इसको शॉर्ट में क्या कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई, देखो इसका स्क्वायर है ये, तो सिक्स का स्क्वायर कर देंगे, सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, टू ए बी होता है, तो टू ए बी दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि ये इसका इन वन बाई एक्स है और एक्स स्क्वायर, तो इसे देखो एक्स ए बी होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया, तो बचा क्या, वन बचा, तो वही टू माइनस वन, चाहे टू माइनस वन कर दो, यानी थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस टू यानी कि थर्टी फोर, शॉर्ट में इसे बनाएंगे, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया, देखो एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर निकालना है, तो दिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू एट दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर, तो हमको दिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो तो इसका दोगुना ये है स्क्वायर है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बना देंगे, एट का स्क्वायर माइनस टू, कहा कि एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर माइनस टू यानी कि सिक्सटी टू, अब शॉर्ट में होगा, आप लोगों का मन है फुल मेथड बनाया, तो ठीक है फुल मेथड बनाओ, एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू, तो एट का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ एट, तो एट का स्क्वायर माइनस टू, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर माइनस टू सिक्सटी टू, ये आंसर है। यहीं पे क्या करता, एक्स के पावर टू है ना, तो यहाँ पे एक्स के पावर थ्री कर देता, थ्री यहाँ पे एक्स पावर थ्री कर देता, तो एक्स के पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स के पावर थ्री इजकल टू एट, तो फाइंड क्या करना है, कर देता सिक्स सिक्स, यही क्वेश्चन पूछ देता, तो एक्स के पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स वन बाई एक्स के पावर सिक्स मांग रहा है, तो एक्स के पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स के पावर थ्री दिए हुआ, तो हमें इसका दोगुना है, इसका दोगुना है स्क्वायर है, यानी कि एट का स्क्वायर हो जाता माइनस टू, यानी सिक्सटी फोर माइनस टू सिक्सटी टू हो जाता। ठीक है, फुल मेथड देख लो, देखो एक्स एक्स बार सिक्स प्लस वन बाई एक्स बार सिक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स के एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू, तो आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस टू यानी सिक्सटी टू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ दोस्तों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर इजकल टू नाइन दिए हुआ, तो फाइंड क्या करना है, एक्स के पावर एट प्लस वन बाई एक्स के पावर एट, तो आप लोग देखो बार बार कहते हैं ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग सवाल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हुआ, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू है, यही एक्स के पावर एट है, तो एक्स एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर हो जाएगा,
माइनस टू। देखो एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर का स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर का मान क्या दिया हो, नाइन दिया हो, नाइन का स्क्वायर माइनस टू, नाइन का स्क्वायर होगा एट्टी वन, एट्टी वन माइनस टू सेवन तीन सेवन नाइन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे में देखो यहाँ पर कितना भी जैसे पाँच कर देता तो यहाँ पर दस करना, क्या कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, पाँच करेगा तो यहाँ पर दस होना, दस होगा, यहाँ पर ग्यारह करेगा तो यहाँ पर बाईस होगा। तो आप कितना भी उलट पुलट वेद आप लोग घबराइएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा कि खुद से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ दोस्तों आप लोगों के बीच सवाल आया, एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर पावर फाइव इक्वल टू नाइन आया, नाइन हो, देखो नाइन हम दिए हुए थे, हम इसको चेंज कर देते हैं, इलेवन कर देते हैं। फाइंड एक्स पावर टेन प्लस वन बाई एक्स पावर टेन मांग पूछ रहा है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो एक्स के पावर टेन प्लस वन बाई एक्स के पावर टेन, तो एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव का होल स्क्वायर, एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव होल स्क्वायर माइनस टू। देखो एक्स एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव का मान क्या दिया हो, इलेवन दिया हुआ है, तो इलेवन का स्क्वायर माइनस टू यानी कि ग्यारह का स्क्वायर क्या हुआ, एक सौ इक्कीस, वन टू वन माइनस टू सो घटाएंगे तो क्या है, वन वन नाइन यानी कि एक सौ उन्नीस आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ दोस्तों एक्स पावर फिफ्टीन प्लस वन बाई एक्स पावर फिफ्टीन इक्वल टू इलेवन दिए हुए, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको भी 15 कर देते हैं। फाइंड क्या करना है, एक्स के पावर 13 प्लस वन बाई एक्स के पावर 13 यानी तो एक्स के पावर 30 प्लस वन एक्स के पावर 30, देखो इसका दुगुना है, इन 15 का दुगुना 30, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस टू, क्या है कि एक्स के पावर 15 इंटू वन बाई एक्स के पावर 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस टू 223, ठीक है। तो फुल में सर ये शॉर्टकट हुआ, ये फुल में सर सर एक्स के पावर थर्टीन प्लस वन बाई एक्स के पावर 13, तो एक्स के पावर 15 का होल स्क्वायर माइनस टू, एक्स के पावर 15 प्लस वन बाई एक्स के पावर 15 मान किया क्या दिया हुआ, 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस टू, 15 का स्क्वायर क्या है कितना हो, 225 हो जाएगा, 225 माइनस टू यानी कि 223। देखो तुमको एक से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होगा तभी तुम लोग स्पीड में बना पाओगे, नहीं तो 15 × 15 करेगा, कहीं 16 दे दिया, 16 × 16 करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। देखो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर 30 कर दिए, 30 कर दिए, यहाँ पर 16 कर देते हैं, यहाँ पर 16 कर देते, फिर यहाँ भी चेंज कर दो, यहाँ पर 25 कर दो, हाँ दोस्तों एक्स के पावर 13 प्लस वन बाई एक्स के पावर 13 इक्वल 25 दिए हुआ, तो फिर फाइंड क्या करना है, एक्स के पावर 16 प्लस वन बाई एक्स के पावर 16 यानी, तो देखो 30 का दोगुना है 16 यानी कि इसका दोगुना कर दो यानी 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस टू यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 माइनस टू तो 623 हो जाएगा। देखो फुल मेथड से देख लो, एक्स के पावर 16 प्लस वन बाई एक्स पावर 16 तो एक्स के पावर 13 का स्क्वायर एक्स के पावर 30 का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स पावर 30 का स्क्वायर माइनस टू
एक्स के पावर 30 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 30 का मान क्या दिया हुआ, 25 दिए हैं, ये 25 दिए हुआ है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, 25 का स्क्वायर क्या हो 625, 625 माइनस 2 यानी कि 623। ताकि एक से हम 30 या एक से 20 तक याद कर लेंगे ना स्क्वायर, तब कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो टाइम लग जाएगा अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।